गाइज वंस अगेन वेलकम बैक ऑन माई चैनल विद आना आज हम क्लास टेन चैप्टर टू पॉलिनोमी स्टार्ट करेंगे और जैसा कि आप देख सकते हो मैंने एन सी ई आर टी का एग्जाम्पल टू जो है नोट डाउन किया हुआ है तो हम बिल्कुल स्टार्टिंग से करेंगे तो जिस अगर किसी ने भी क्लास टेन का स्टूडेंट है और वो पूरा सिलेबस चाहता है एनसीईआरटी प्लस आर एस अग्रवाल तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो जैसे ही क्वेश्चन है फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोम एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज एंड द कॉपिशन तो हम बिल्कुल देखो पहले ही क्या कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ़ द पॉलिनोमियल तो हमें इसके जीरोज निकालनी है क्लास नाइन में हम जीरोज निकालना सीख चुके हैं तो जीरो निकाल जीरो निकालने के लिए टू फाइंड द जीरोज पहले हम क्या करेंगे जीरोज फाइंड करेंगे तो उसको फाइंड आउट करने के लिए हम पी एक्स को जो हमारा पॉलिनोमियल है उसको क्या रख देंगे जीरो के इक्वल यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन को क्या रख देंगे जीरो के इक्वल अच्छा ये क्वाड्रेटिक है तो ये आपकी मिडल टर्म से ब्रेक आउट होगी तो टेन का एक्स स्क्वायर कॉफिशियंट वन है तो टेन वन जेट टेन यानी कि आपको सेवन के ऐसे फैक्टर चाहिए कि प्लस करके तो सेवन आए लेकिन मल्टीप्लाई करके आए टेन तो हमें पता है फोर प्लस सॉरी फाइव प्लस टू फाइव टू जे टेन फाइव प्लस टू होता है हमारा सेवन इज इक्वल टू जीरो एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस टू एक्स प्लस टेन इज इक्वल टू जीरो यहाँ से आप x कॉमन लोगे x प्लस फाइव बचेगा इन दोनों में से आप टू कॉमन लोगे एक्स प्लस फाइव बचेगा इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस फाइव एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू जीरो तो आपकी एक्स की वैल्यू आई माइनस फाइव एक और एक है आपका एक्स प्लस टू इज इक्वल टू जीरो तो आपके एक एक्स की वैल्यू आई माइनस टू यानी कि माइनस फाइव एंड माइनस टू आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोम देअ माइनस फाइव एंड माइनस टू आर दीरोज ऑफ पी एक्स पोलिनोम एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस टेन अब हमें क्या करना है वेरीफाई करना है तो अब हम वेरीफिकेशन करेंगे बहुत ईजी है देखो वेरीफिकेशन करने के लिए हम क्या करेंगे देखो हमारा रिलेशनशिप होता है जैसे जीरोज होती है तो हमने एल्फा एंड बीटा इसकी जीरो मान ली जर्नल इक्वेशन की देखो जर्नल इक्वेशन में यार अपनी बता देती हूँ जर्नल इक्वेशन होती है हमारी एक्स स्क्वायर प्लस एल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस एल्फा बीटा यानी कि एल्फा और बीटा क्या है किसी भी पोलिनोमियल की जीरोज है तो यहाँ पे आई मेरी माइनस फाइव और माइनस टू तो देखो जो हमारा सम ऑफ जीरो होता है ठीक है सम ऑफ जीरोज जो होता है यानी कि एल्फा प्लस बीटा जो होता है सम ऑफ जीरोज आता है आपका माइनस uh, का कोफिशियंट ऑफ एक्स ठीक है कॉफिशियंट ऑफ एक्स यानी कि मिड वाले टर्म का नीचे आता है कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर ठीक अब देखो सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फा प्लस बीटा है ना तो यानी कि माइनस फाइव प्लस माइनस टू ये तो है मेरी जीरोज तो सम ऑफ जीरोज का मतलब माइनस फाइव प्लस माइनस टू वेरीफाई कर रहे हैं माइनस का कॉफिशियंट ऑफ एक्स तो कॉफिशियंट ऑफ एक्स माइनस का कितना है माइनस का सेवन अपोन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर का कॉफिशियंट कितना है वन यानी कि माइनस फाइव प्लस माइनस माइनस होता है इज इक्वल टू माइनस सेवन इक्वल आया ठीक है एक हो गई वेरीफाई दूसरा होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरो यानी कि अल्फा बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है आपका कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर Const, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ का मतलब माइनस फाइव इंटू माइनस टू ठीक है और कॉन्स्टेंट टर्म है हमारी इस पॉलिनोमियल में टेन और पोलिनोम कॉन्फिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर है वन माइनस फाइव माइनस टू प्लस का टेन इज इक्वल टू टेन इक्वल आया हैंस वेरी फाइड अभी प्लस माइनस साइन कैसे याद रखोगे देखो ऐसे चलता है प्लस माइनस प्लस माइनस तो यहाँ पे पहले माइनस आया तो माइनस का कॉफिशियंट ऑफ एक्स अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर नेक्स्ट होगी प्रोडक्ट कॉन्स्टेंट टर्म अपॉन कॉफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो आगे सारे क्वेश्चंस के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू